हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे बिरला परिवार के प्रमुख सदस्यों के बारे में, लोधास के बारे में और इन दोनों के बीच चल रहे केस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सेठ शिव नारायण जी से, जिनका जन्म राजस्थान के पिलानी गांव में हुआ था और उन्होंने पिलानी गांव से बाहर निकलकर अपने कॉटन व्यापार की शुरुआत की। कुछ समय पश्चात जब ब्रिटेन ने चाइना के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अफीम की खेती भारत में शुरू की, तब शिव नारायण बिरला ने भी अपने अडॉप्टेड बेटे बलदेव दास बिरला के साथ इस व्यापार में कदम रखा, जो कि बिरला परिवार की संपत्ति का आधार बनी। बलदेव दास बिरला जी की 4 संतान थी और उन्होंने कलकत्ता में अपने पहले बेटे के नाम पर बलदेव दास जुगल किशोर नामक व्यापार की स्थापना की। उनकी बाकी 3 संतान थी आरडी बिरला, जीडी बिरला और ब्रिजमोहन बिरला। जुगल किशोर बिरला जी की आगे कोई वंशज ना था। आरडी बिरला जी की 2 संतान और जीडी बिरला जी की 6 संतान थी, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। ब्रिजमोहन बिरला जी की संतान गंगा प्रसाद बिरला अपने टाइम के परिवार में पहले ग्रेजुएट बने। उनका पढ़ाई की तरफ काफी रुझान था, इसीलिए उन्होंने कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना की, जिनमें आज के टाइम का बिट्स पिलानी भी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ओरियन पेपर एंड इंडस्ट्री से की और महज 15 साल में वह इस कंपनी के चेयरमैन बन गए। गंगा प्रसाद बिरला जी की संतान चंद्रकांत बिरला एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सीके बिरला ग्रुप के मालिक होने के साथ साथ नेशनल इंजीनियरिंग लिमिटेड, ओरियन पेपर एंड इंडस्ट्रीज, ओरियन सीमेंट के चेयरमैन भी हैं। आरडी बिरला, इनका पूरा नाम था राजा बलदेव दास बिरला। इनकी 2 संतान थी गजानन बिरला और माधव प्रसाद बिरला। गजानन बिरला के पुत्र थे अशोक कुमार बिरला और अशोक कुमार बिरला के पुत्र हैं यशोवर्धन बिरला, जो यश बिरला ग्रुप के मालिक भी हैं। आरडी बिरला जी के दूसरे पुत्र माधव प्रसाद बिरला जी की शादी हुई थी प्रियंवदा बिरला जी से और उन दोनों की कोई संतान ना थी। 1990 में एक एयरप्लेन क्रैश में माधव प्रसाद बिरला, अशोक बिरला की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। जीडी बिरला घनश्याम दास बिरला गांधी जी के फॉलोअर थे और इंदिरा गांधी की लीडरशिप में राज्यसभा के मेंबर भी रहे। उनकी 2 पत्नियों से 6 संतानें थीं, 3 बेटे और 3 बेटियां। 3 बेटों के नाम थे लक्ष्मी निवास बिरला, कृष्ण कुमार बिरला और बसंत बिरला। लक्ष्मी निवास बिरला के पोते सिद्धार्थ बिरला फिक्की के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्म होने के कारण जीडी बिरला जी के दूसरे बेटे का नाम कृष्ण कुमार बिरला रखा गया। उनकी 3 बेटियां हैं नंदिनी, ज्योत्सना और शोभना। शोभना भारतिया एचटी मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन और एडिटोरियल डायरेक्टर हैं और उनके बेटे शमित की शादी धीरूभाई अंबानी की नाती नयनतारा कोठारी से हुई। जीडी बिरला के तीसरे बेटे बसंत बिरला महज 15 साल की उम्र में बहुत सारी कंपनीज के साथ एसोसिएट हो चुके थे और बाद में वह केशोराम इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी बने। उनकी शादी गांधी जी के जानकार ब्रिजलाल बयानी की बेटी सरला से हुई और उनकी शादी में जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी समेत कई हस्तियां शामिल हुई। उनके 3 संतानें थी, 1 बेटा और 2 बेटियां। बसंत बिरला के बेटे आदित्य विक्रम बिरला ने बिरला परिवार के व्यापार को विदेश में एक्सपैंड किया, जिसके कारण उन्हें इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल इंडस्ट्रियलिस्ट का खिताब मिला। आदित्य विक्रम बिरला की मृत्यु कैंसर के कारण महज 52 साल की उम्र में हो गई थी। अचानक मृत्यु के कारण बसंत बिरला ने अपने पोते कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस में गाइड किया। आज कुमार मंगलम बिरला बहुत सारी कंपनी के मालिक हैं, जिन्हें आदित्य बिरला ग्रुप के नाम से जाना जाता है। पैंटलूंस, वोडाफोन आइडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और अजियो जैसी कंपनीज आदित्य बिरला ग्रुप में शामिल हैं। अब तक हमने जाना बिरला परिवार के प्रमुख सदस्यों के बारे में। अब हम जानेंगे
लोधास कौन थे, वह बिरला परिवार से कैसे जुड़े और इन दोनों के बीच चल रहे केस की शुरुआत कैसे और क्यों हुई। राजेंद्र सिंह लोधा कलकत्ता बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर थे। उन्हें बिरला परिवार से जोड़ने वाले बसंत बिरला जी के बेटे आदित्य विक्रम बिरला थे। राजेंद्र सिंह लोधा अपनी तेज बुद्धि और सूझबूझ से काफी बिरला कंपनीज के फाइनेंशियल एडवाइजर बने, जिनमें से एक माधव प्रसाद की कंपनी बिरला कॉरपोरेशन भी थी। 1990 में माधव प्रसाद जी की मृत्यु के बाद राजेंद्र सिंह लोधा ने प्रियंवदा बिरला जी का भी विश्वास जीत लिया था, जो कि उस समय बिरला कॉरपोरेशन की चेयरमैन थी। साल 2001 में राजेंद्र सिंह लोधा बिरला कॉरपोरेशन के को चेयरमैन बने। साल 2004 में प्रियंवदा जी की मृत्यु के बाद उनकी विल का खुलासा हुआ, जो कि 1999 में बनाई गई थी। इसके तहत बिरला कॉरपोरेशन की सारी संपत्ति प्रियंवदा के मरने के बाद राजेंद्र सिंह लोधा के नाम की गई और राजेंद्र सिंह लोधा के मरने के उपरांत उनके बेटे हर्ष लोधा को दी गई। बिरला परिवार माधव प्रसाद की बनाई गई 1982 की विल को लेकर राजेंद्र सिंह लोधा के हक को बेबुनियाद ठहराने की कोशिश कर रहा है। माधव प्रसाद की विल के तहत सारी संपत्ति उनकी मृत्यु के उपरांत प्रियंवदा बिरला को और प्रियंवदा की मृत्यु के बाद डोनेशन में जानी चाहिए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह केस अब तक 100 से भी ज्यादा कोर्ट केस लड़ चुका है। इस बीच राजेंद्र सिंह लोधा जी की साल 2008 में मृत्यु हो चुकी है और अब यह केस उनके बेटे हर्ष लोधा जी अब तक लड़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आप बेल बटन पर क्लिक करके मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।